उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। बता दें कि इस मुलाकात में सीएम धामी ने न्यूनतम 1000 मेगावाट के पिट हेड थर्मल पावर प्लांट स्थापित किए जाने के लिए उत्तराखंड को लगभग 125 मिलियन टन भंडारण क्षमता का एक कोल ब्लॉक आवंटन करने का अनुरोध किया है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला का कहना है कि उत्तराखंड में बिजली का संकट नहीं है, लेकिन इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने कहा कि अगर सरकार कोयला से बिजली उत्पादन की बात कर रहा है तो यह विचार अच्छा है, लेकिन बीजेपी सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। जहां बीजेपी सरकार जो कहती है उसे धरातल पर नहीं उतारती है, वहीं तेज हो रही औद्योगिकरण के कारण आने वाले वर्षों में विद्युत की मांग और बढ़ने की संभावना है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, इस बार बहुत अधिक बरसात होने के कारण काफी फ्लड और मलबा जो है वो टर्बाइन पे आए हैं। बिजली उत्पादन उत्तराखंड के अंदर हमारे पूरे प्रदेश के लिए जितनी बिजली होनी चाहिए उसके हिसाब से पूरा है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी हम रखें अपने पास। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कोयला मंत्री से बात की और निश्चित रूप से हमारे को जब जब हमने केंद्र से सहयोग मांगा है हमको सहयोग मिला है। आने वाले समय में हम एक्स्ट्रा बिजली भी अपने पास रखें। इन सब चीज़ों को लेकर के सरकार काम कर रही है। किसी भी तरीके से कोई भी विद्युत संकट उत्तराखंड में है नहीं, लेकिन फिर भी अवेयरनेस रहे, हम अवेयर रहे, इस पर हमारी सरकार हमेशा मुस्तैदी से काम कर रही है। देखिए, उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश के नाम से भी पूरे देश के अंदर जाना जाता है और जो भी यहाँ पर जल विद्युत परियोजनाएं कांग्रेस सरकार के दौर में बनी और उसके बाद आपने देखा कि राज्य में कोई जल विद्युत परियोजना जो है भाजपा की सरकारें नहीं बना पाई और उसके बाद भी जो है इस राज्य को बिजली के लिए तरसना पड़ रहा है। ऊर्जा प्रदेश होने के बाद भी दूसरे राज्यों से हम महंगी बिजली खरीदने के लिए मजबूर हैं। आम उपभोक्ता देश में लगभग सबसे महंगी बिजली उत्तराखंड में खरीद रहा है। आखिर इसके क्या कारण, सरकार जो है ऊर्जा प्रदेश का जो सपना उसको साकार क्यों नहीं कर पाई है, केवल बयानबाजी हो रही है। अब अगर सरकार कोयले से बिजली उत्पादन की बात कर रही है, विचार अच्छा है, होना चाहिए,